आज की हमारा मूवी है मिस्चिफ। ये एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म 1956 में ओहियो नाम के एक छोटे से शहर में शुरू होती है। यहाँ हम जोनाथन नाम के एक लड़के को देखते हैं और जोनाथन को मलिन का बहुत शौक है, जो उनके स्कूल में पढ़ने वाली एक हॉट गर्ल है। लेकिन वो एक शर्मिला और डरपोक किस्म का लड़का है और उसके पास इतना करेज नहीं है कि वो मलिन को प्रपोज कर सके। और इस पर जोनाथन का एक फ्रेंड ने कार के अंदर उनका मजाक उड़ा रहा है। तब मलिन को बगल से गुजरते हुए देखा जाता है और उसे देखने के चक्कर में जोनाथन की कार फायर हाइड्रेंट से टकरा जाती है। इसके बाद वो घर आता है और वो देखता है कि एक नया लड़का उनके पड़ोस में रहने आया है, जिसका नाम जीन है, और ये अपनी हरकतों से काफी लापरवाह लग रहा है। और बाद में हम देखते हैं कि बाइक से शहर का चक्कर लगा रहा था, लेकिन अचानक उसकी बाइक केनी नाम के लड़के की कार से टकरा गई और जीन गिर जाता है। तब केनी ने उनकी गर्लफ्रेंड बन्नी के साथ था और उस बन्नी को देखते ही जोनाथन को उससे प्यार हो जाता है। दूसरी ओर केनी को केवल अपनी कार की चिंता थी और वो बन्नी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। और जोनाथन इन सब चीजों को देख रहा होता है। और कुछ समय बाद जोनाथन जीन से मिलने जाता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। जीन जोनाथन से बिल्कुल अलग थे। उनका कहना है कि पिछले स्कूल में उन्हें दो लड़कियों के साथ इंटीमेट करते हुए पकड़ा गया था, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, और दूसरा जोनाथन अभी भी वजन है। जीन जोनाथन से पूछता है कि वो इस शहर में सबसे सुंदर लड़की को कहाँ ढूंढेगा, और जोनाथन शाम को उसे शहर के मेले में ले जाता है। वो उनका क्रश मलिन और बन्नी दोनों को वहाँ देखता है। तब वो दोनों एक स्टॉल में होते हैं, जहाँ पहिए को घुमाने पर जो नंबर आएगा वो उस नंबर की लड़की को किस कर सकता है। जब जोनाथन पहिया घुमाता है तब रोजली नाम की लड़की का नंबर आती है, लेकिन जोनाथन को वो लड़की पसंद नहीं आती है। इसके बाद जब जीन ने पहिया घुमाया तो उसे मलिन का नंबर मिल गया और वो उसे किस करता है, और ये देखकर जोनाथन को बहुत जलन होती है। और जोनाथन के पैसे से जीन एक बार फिर पहिया घुमाता है। इस बार बन्नी का नंबर आता है और जीन उसे भी किस करता है। और बाद में जीन को देखकर मलिन और बन्नी दोनों जीन को पसंद करने लगते हैं। बाद में जोनाथन जीन को बताता है कि वो मलिन से बहुत प्यार करता है, और ये सुनकर जीन कहते हैं कि वो एक महीने के अंदर मलिन को तुझे गर्लफ्रेंड बना के दिखता हूँ। तब वो दोनों इस पर बेट लगाते हैं। इसके बाद स्कूल में अगला दिन जीन जोनाथन को बताता है कि उसे मलिन की आंखों में देखते रहना है, लेकिन जब मलिन यहाँ आती है तो जोनाथन उसे देखकर फिसल जाता है। इसके बाद बन्नी का बॉयफ्रेंड केनी, जो बहुत अमीर है, वो जोनाथन को धमकाता है। ये देखकर जीन जोनाथन बताते हैं कि उसे अपने लिए लड़ना सीखना होगा। क्लास के दौरान जोनाथन अपना पेन उठाने के बहाने मलिन की टांगों को देखता रहता है। तब टीचर ने उसे ऐसा करते देखता है और उसे खड़े होने के लिए कहता है। जैसे ही वो खड़ा होता है हर कोई उस पर हंसने लगते हैं। और स्कूल के बाद जीन ने जोनाथन को फिर से मलिन से बात करने के लिए भेजता है, लेकिन जोनाथन अपनी साइकिल को उनके सामने एक कार में धकेल देता है। और ये देखकर कि उसे बहुत चोट लगती है, मलिन भी उसके पास आती है और उसके पास आकर उसका खून साफ लगती है। और मलिन को इतना पास देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और मलिन के चेस्ट को टच कर देता है, लेकिन मलिन को उनकी ये हरकत देखकर गुस्सा नहीं आती है और इसके उलट उन्हें देखकर मुस्कुराती है। अगले दिन जीन बन्नी से बात करता है और उसे पता चलता है कि वो केनी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती है। और कुछ समय बाद मलिन भी वहाँ आती है और फिल्म को जाने के लिए जीन से पूछती है, और जीन भी उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर जोनाथन को बुरा लगता है। जीन उसे मलिन को छूने तक के लिए मनाता है क्योंकि वो बन्नी को पसंद करता है। इसके बाद जीन के पास एक आइडिया आता है और वो बन्नी को जोनाथन के साथ चलने को कहता है। फिर शाम को चारों मूवी देखने जाते हैं। इस बीच मलिन जीन के बहुत करीब जाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ जोनाथन को बन्नी के साथ बैठना पसंद नहीं है। तभी केनी के कुछ दोस्त बन्नी को जोनाथन के साथ देखते हैं और केनी के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ डेट पर आई है। जब जीन और जोनाथन सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तब केनी जोनाथन को मारना शुरू करता है। जीन कहते हैं कि जोनाथन ने कुछ नहीं किया और बन्नी को यहाँ ले आए। ये सुनकर केनी ने जीन को लड़ने के लिए बुलाया। केनी ने सोचा कि जीन डर जाएगा, लेकिन जीन उस जगह पहुंच जाता है। उसके बाद केनी जीन के साथ एक गेम खेलने के लिए कहता है कि दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से अपनी कार चलाएंगे, जो पहले रास्ते से हट जाएगा वो हार जाएगा। लेकिन दोनों को रास्ते से हटने में लंबा समय लगता है और दोनों कार साइड से टकरा जाती है और कार की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर केनी गुस्सा हो जाता है और केनी और जीन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी पुलिस भी यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग इधर से उधर भाग जाते हैं, लेकिन अगर जीन की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो वो लोग पकड़े जाते हैं। उन सभी को पुलिस ने चेतावनी दी और घर से निकल गए। जब जीन के पिता को पता चलता है कि जीन ने उनकी कार में दुर्घटना का कारण बना है तो उन्होंने सभी के सामने जीन को थप्पड़ मार दिया और उन्हें घर छोड़ने से रोक दिया। बस शाम को जोनाथन चुपके से जीन से मिलने अपने कमरे में जाता है और दोनों शराब पीते हैं और जीन की बाइक में टहलने जाते हैं। जीन जोनाथन को बताता है कि उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता अक्सर उसकी पिटाई करते हैं।
कुछ देर बाद एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ लेता है और पता चलता है कि दोनों नशे में हैं। फिर दोनों को अपनी बाइक पैदल घर ले जाने के लिए कहता है। रास्ते में उन्हें केनी के पिता का डिपार्टमेंट स्टोर भी मिलता है, जो शहर में सबसे बड़ा था। और केनी से बदला लेने के लिए जीन और जोनाथन स्टो की सभी मूर्तियों को कामुक स्थिति में रखकर वहां से चले जाते हैं। फिर सुबह जब हर कोई उन मूर्तियों को कामुक अवस्था में देखता है तो हर कोई बहुत मजाक करता है। बन्नी स्कूल में जीन से मिलने आती है और दोनों शाम को मिलने की योजना बनाते हैं। इस बीच मलिन दूर से बन्नी जीन को भी करीब आते देख रही थी, जिससे मलिन को बहुत बुरा लगती है क्योंकि मलिन को भी जीन पसंद था। जीन अपने पिता की कार की मरम्मत के लिए एक गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम नौकरी करता है। जीन जोनाथन के पास आता है और उसे मलिन की शर्त के बारे में याद दिलाता है कि वो सीधे मलिन से पूछे। अब जोनाथन ऐसा ही जानता था, वो मलिन उसे मना कर देगी, लेकिन वो फिर भी उसे जीन के लिए मेकअप करने के लिए बुलाती है और मलिन उसके साथ डेट पर जाने के लिए सहमत हो जाती है। इसके बाद जीन और बन्नी दोनों का रिश्ता अच्छे से चलने लगता है और मलिन भी जोनाथन के साथ खूब मस्ती कर रही है। एक दिन उनमें से चार टहलने के लिए बाहर जाते हैं और जोनाथन और मलिन किस करना शुरू करते हैं। जोनाथन ने खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ और वो मलिन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन मलिन का सार्वजनिक रूप से ये सब करने का मन नहीं कर रहा था। वो जोनाथन को कई बार रोकने के लिए कहती है, लेकिन जोनाथन नहीं सुनता और इस चक्कर में उनकी गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और दोनों गिर जाते हैं, जिसके कारण जीन और बन्नी दोनों को देखते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। फिर एक दिन जोनाथन को मलिन का फोन आता है और वो बताएगी कि उसके माता पिता इस वीकेंड कहीं बाहर जाने वाले हैं, इसलिए वो जोनाथन को अपने घर पर इंटीमेट होने के लिए इनवाइट करती है। जब जोनाथन ये सुनता है तो वो खुशी के साथ कूदता है। फिर वीकेंड पर जोनाथन को तैयार करना मलिन उनके घर पहुंचती है और वो इंटीमेट होते हैं। लेकिन इंटीमेट होने के बाद मलिन को पता चल जाता है कि जोनाथन ने किसी प्रकार की सुरक्षा का प्रयोग नहीं किया और इस तरह वो मलिन के साथ इंटीमेट हो गया। वो उसे सॉरी कहता है क्योंकि ये उनका पहला मौका था तो वो नहीं जानता था। तभी मलिन के पिता अचानक घर आ जाते हैं और मलिन किसी तरह जोनाथन को खिड़की से बाहर खींचती है, लेकिन अपनी माँ को भागते हुए देखता है। स्कूल में अगले दिन जीन ने बन्नी को डेट पर जाने के लिए कहा, लेकिन बन्नी ने कहा कि नहीं, आज रात आपको अपने परिवार के साथ डिनर करना है, इसलिए वो आज नहीं आ सकती। रात में जीन चुपके से बन्नी के कमरे में घुसने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि केनी बन्नी के घर रात के खाने के लिए आया है, मतलब बन्नी ने उसे झूठ बोली थी, वो केनी उसका प्रेमी नहीं है। ये जानकर जीन को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन जीन और बन्नी इस बारे में बहस करने लगते हैं। बन्नी उसे समझाती है, उस केनी को उसके माता पिता ने बुलाया था, ऐसा नहीं है कि वो और वो अपने माता पिता को जीन का परिचय नहीं दे सकते क्योंकि वो केनी की तरह अमीर नहीं है। दूसरी ओर मलिन ने जोनाथन को रात में उसके साथ जाने के लिए कहा। शाम को जोनाथन जीन को बताता है कि मलिन ने उसे सामने से रात के लिए कहा और ये सब जीन के कारण था और जीन की वजह से जोनाथन काफी कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तभी केनी भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ जाते हैं और वो जीन को धमकाता है कि वो बन्नी से दूर रहे। ये सुनकर जीन को बहुत गुस्सा आता है और वो केनी पर हमला करता है और फिर दोनों में मारपीट होने लगती है। जोनाथन भी इस लड़ाई में जीन की मदद करता है और उसका हाथ तोड़ देता है और मैं स्टो में सम्मान को रोकता हूँ और यहाँ से जाने को कहता है। जब जीन घर पहुँचे तो उनके पिता को पता चला कि वो मारपीट कर घर आया है और वो जीन को घर छोड़कर चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद कई दिनों तक किसी को जीन नहीं मिलता और उसे स्कूल से निकाल भी दिया जाता था और जोनाथन और बन्नी को ये भी नहीं पता था कि जीन कहाँ गया था। जीन के यहाँ नहीं होने के कारण केनी ने जोनाथन को फिर से धमकाना शुरू कर दिया और फिर पहले दिन मलिन कैंटीन में जोनाथन के पास आती है और उससे बात करती है कि उनका एक पुराना दोस्त कुछ दिनों के लिए शहर आया है और उन्होंने मलिन से प्रोम नाइट के लिए कहा। फिर प्रोम के दिन जीन वापस आता है और जोनाथन अपनी आंखों से उसे देखकर बहुत खुश होता है। जीन का कहना है कि वो बन्नी से मिलना चाहता है और वो दोनों प्रोम पार्टी में जाते हैं। जीन ने देखता है कि बन्नी ने केनी के साथ नाच रही है। केनी उनके पास आता है और फिर से जीन का अपमान करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार जीन उसे अवॉइड करता है और जोनाथन उनके साथ चला जाता है। जीन को देखकर बन्नी भी उसका पीछा करती है, लेकिन जीन से मिलने से पहले ही दोनों चले गए थे। वो दोनों बगीचे में जाते हैं और बात करने लगते हैं। जोनाथन जीन को बताता है कि बन्नी उससे प्यार करती है, तो जीन ये भी कहते हैं कि वो भी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने घर या उस स्कूल में वापस नहीं आ सकता। जोनाथन ये भी स्वीकार करता है कि वो कभी भी मलिन से प्यार नहीं करता था, वो बस उसके प्रति आकर्षित था और उसके साथ इंटीमेट करना चाहता था। बात करते करते में जीन गार्डन में सो जाता है और जोनाथन अपनी बाइक लेता है और बन्नी को अपने साथ लाता है। अगली सुबह लंबे समय तक बात करने के बाद जीन और बन्नी फैसला करते हैं कि दोनों साथ में कहीं दूर कहीं चले जाएंगे। जीन ने जोनाथन को अलविदा कहा और वादा किया कि वो जल्द ही उससे मिलने आएगा। जोनाथन घर जाता है और बन्नी के माता पिता को बताता है। वो बन्नी जीन के साथ चली गई है, तो उसकी चिंता मत करो,
अगले दिन जब जोनाथन केनी के स्टो में जाता है, फिर केनी फिर से उसका और जीन का अपमान करता है और अब जोनाथन केनी को सबक सिखाने के लिए अपनी कार से केनी की कार को बार बार मारता है और अब जोनाथन के इस रूप को देखकर केनी भी उससे डरने लगता है। इसके बाद जोनाथन ने एक और लड़की का नाम रोज ली रखा, उससे मूवी डेट के लिए पूछता है और ये वही लड़की थी जिसे जोनाथन ने पहले आकर्षक नहीं माना, लेकिन वो वहाँ से जोनाथन को पसंद करते थे। फिर रोजली उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो ये थी मिसचफ मूवी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें, और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।